तो गाइस पैकिंग हो गई है, मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे। अरे पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे पापा मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी ले चलो ना। अरे भाई वहाँ बच्चे अलाउड नहीं है, ठीक है? तो तुम नहीं आ सकते, जाओ अपना काम करो। अरे गाइस पापा तो मुझे कुछ नहीं बता रहे, मम्मी से जाके पूछना पड़ेगा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, मैंने किसी को भी नहीं बताया, ना हीरो ब्राइन को बताया है ना सिमरन को बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो आपको भी मैं रास्ते में बताऊंगा, लेकिन आप किसी को मत बताना, ठीक है? चलो चलते हैं, मुझे पिकअप करने आ रहे हैं मेरे कजिन, देखते हैं कौन सी गाड़ी लेके आते हैं। अरे मम्मी ये पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा वो तो मुझे भी नहीं पता, बोल रहे थे किसी काम से जा रहा हूँ। मम्मी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बेटा तू एक काम करो, तुम जाओ अपने पापा के पीछे पीछे और उनकी हर एक हरकत की मुझे खबर देना। ओके मम्मी मैं डिटेक्टिव बनके जा रहा हूँ, सब पता करके आऊंगा। देखो गाइस कब से वेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई आया नहीं है, बोला जल्दी आ जाओ, मैं आके बैठा हूँ, कोई नहीं है। देखो ये रहा मेरा बैग, मेरे दोस्त मास्क लेना भूल गए, मम्मी मास्क दे रही है, आने दो। ओके ये देखो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किडनैपिंग करने आ रहे हैं। पीछे बैठना है भाई, जगह ही नहीं है। This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite. ये बंदा अकेला आया है, कहाँ से आए हो? बड़ौदा से आए हैं। बड़ौदा से गोवा, डायरेक्ट गोवा। अरे गाइस तो ये बात है, पापा गोवा जा रहे हैं, सबके सब इस गेट से अंदर गए हैं, मैं भी इनविजिबिलिटी का पोषण पी के जाता हूँ ताकि सिक्योरिटी मुझे रोके नहीं। गाइस यहाँ पे तो ऑटोमेटिक लेडर्स भी है। ये देखो ट्रिप शुरू हुई नहीं और खाना पीना चालू, भूख लग गई है, क्या करें। 500 रुपए का खर्चा अभी से हो गया। गाइस देखो पापा तो ठूस ठूस के नाश्ता कर रहे हैं, बोल के गए थे कि काम पे जा रहे हैं। इनको देखकर मुझे भी भूख लग गई है। यहाँ पे तो बहुत सारी टॉफीज और लॉलीपॉप्स है, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है और डायमंड्स यहाँ पे चलते नहीं है, वरना मैं पूरा एयरपोर्ट खरीद लेता। और ये देखो पापा तो स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं और मुझे कभी उन्होंने मोहनलाल की 10 रुपए वाली कॉफी भी नहीं पिलाई। ये सब मैं मम्मी को जाके बताऊंगा। कब से इंतजार कर रहे हैं, प्लेन आया ही नहीं है हमारा, कब आएगा भाई साहब? यार बस जाना है, बस अब तो जाना है, जाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे गाइस ये देखो लगता है ये कोई खतरनाक मॉब्स के एक्स लग रहे हैं, चलो भागते हैं यहाँ से। तो देखो गाइस फाइनली फ्लाइट आ चुकी है, अभी बोर्डिंग हो रही है, भी चलते सीधे गोवा में मिलेंगे। गाइस मैं भी चुपके से पापा के पीछे पीछे जाता हूँ और खाली सीट पर बैठ जाता हूँ ताकि कोई मुझे उतार ना दे। गाइस यहाँ पे तो बहुत सारी सीट्स खाली है, अब मैं यहाँ पे बैठू कि यहाँ पे, चलो यहीं पे बैठ जाता हूँ। ये गाइस देखो मैं गोवा आ चुका हूँ, लगता है यहाँ पे कोई ओनली वन हार्ट चैलेंज कर रहा है। गाइस यहाँ पे जिसको भी देखो वो हाथ में पोषण लेके घूम रहा है, मैंने वो टेस्ट किया लेकिन वो बहुत ही कड़वा था। मुझे बहुत नींद आ रही है पर ये पापा के रिसोर्ट वालों ने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया, लगता है बाहर सोफे पे ही सोना पड़ेगा। चलो गाइस गुड नाइट। तो दोस्तों रिसोर्ट पहुंच गए हैं और काफी लेट भी हो गया है। भाई ये प्लेन उड़ाने वाले ने क्या प्लेन उड़ाया है भाई, ऐसा लग रहा था कि प्लेन नहीं ऑटो चला रहा हो। तो चलो कोई बात नहीं, ये रिसोर्ट कैसा है और ये रूम कैसा है मैं सुबह दिखाऊंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह को, ठीक है गुड नाइट। तो अभी हम जा रहे हैं जुआ खेलने, जुआ खेलेंगे आज हम, और हमारे साथ है नल। नल भाई साहब नल की तरह काले काले दिखते हैं। तो जुओ में हमने सोचा है कि 2-3 लाख रुपए लगाएंगे और 2-3 करोड़ लेके ही आएंगे और बाकी तो सब ठीक है। और आप कितने कितने पैसे लगाने वाले? 2 लाख लगाने वाले हैं। और 2 लाख के 2 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं सीधा कसिनो जाके और जुआ जुआरी बनेंगे। तो देखो गाइज हम जा रहे हैं कसिनो में जुआ खेलने, पीछे सारे जुआरी बैठे है, तीन बच्चा और ये विलास भाई ले जा रहे हैं हमें, देखते हैं कि पैसे जीत के आते हैं या पैसे हार के आते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं सीधा कैसीनो में जाके। कैसीनो में यो
गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सबसे बड़े जुआरी बनने के लिए। ये देखो पीछे शायद दिख रहा होगा गाइस, हमारा पोपट हो गया है। हम गए थे कैसीनो, लेकिन एक बंदा हमारा अंडर एज है, वो लगता हमसे सबसे बड़ा है, लेकिन वो है 19 साल का, तो हमको घुसने नहीं दिया। बोला कि 7 बजे के बाद ही आओ, 7 बजे तक यहाँ पे घूमना है, देखते कि कहाँ घूमे। अभी 2 घंटे बाकी है, 5 बजे है, 7 बजे तक घूमना है, करे तो करे क्या भाई। और आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन लोग आप में से गोवा से हो, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मेरे वीडियोस गोवा से देख रहा है। गाइस फिलहाल पहुंचे हैं गार्डन में, यहाँ पे पणजी में, पणजी है ना, पणजी, अच्छा पणजी में गार्डन में। गाइस पापा और नल का डुप्लीकेट इसी गार्डन में आए थे, लेकिन अब कैसीनो के लिए निकल गए है, मैं भी जाता हूँ उनके पीछे पीछे। ये बोट हमें ले जाएगी कैसीनो पे, पर गाइस मुझे पता नहीं है कि पापा कौन से कैसीनो में गए हैं, पता लगाना पड़ेगा। गाइस मेरे सूत्रों से पता चला है कि पापा वो पीछे जो बड़ा जहाज दिख रहा है ना, उस कैसीनो में गए हैं। पीछे क्या देख रहा है बे, आगे देख। देखो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैसीनो में, और ये है रॉयल चेयर। बस भाई बस बस। और ये देखो गाइस, ये है स्काई ब्लॉक, सॉरी स्काई बार। ये खुलता कैसे है भाई? गाइस मैं अंडर एज हूं ना, तो मुझे बोला गया है कि मैं सिर्फ स्काई बार में जा सकता हूँ, तो चलो वहाँ चलते हैं। गाइस यहाँ पे तो म्यूजिक है और पार्टी जैसा माहौल है, पापा यहाँ पे पार्टी करने आए हैं। वाह गाइस यहाँ पे तो मुंबई का चाट भी है। भैया एक प्लेट भेलपुरी लगाओ, जल्दी करना भैया। गाइस देखो पापा तो यहाँ पे लड़कियों का डांस देखने आए हैं, ये सब मुझे मम्मी को बताना ही पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अभी हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट करने, और पीछे देखो व्यू, देखो आप कितना कमाल का व्यू है, वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें कॉल आ गया है, काफी सारी वाटर स्पोर्ट करने जाना है, और पानी में भी अंदर जाने वाले हैं, स्कूबा डाइविंग वो भी करेंगे। काश हीरो ब्राइन होता है यहाँ पे तो उसे भी मजा आता, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं ला सकते ना, अंडर एज है। लेकिन नल हमारे पास ये नल नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल नल जैसी है। और ये पीछे हमारा बड़ा भीम, छोटा भीम, जो भी बोलो। और बाकी 3 और लोग हैं, उनका मैं इंट्रो कराऊंगा बाद में जाके, स्पेशल है इसलिए वो बाद में मिलेंगे, स्पेशल है। तो अभी हमारा जो बंदा है वो 3 लोगों को मतलब 2 लोगों को ड्रॉप करने गया है, अब तक रिटर्न नहीं आया है, तो जब तक वो आता है तब तक हम पैदल चलते हैं सामने। नल भाई साहब, आपने प्रैंक क्यों कर दिया हीरो ब्रांड के साथ? वो बहुत चालू आदमी था इसलिए करना पड़ा। और ये देखो हमारे, चलो ये आ गया, ये अभी हमें ड्रॉप करने आएगा। हम 6 लोग हैं, लेकिन हमने एक ही एक्टिवा ली है, बजट कम था, तो इन दोनों को छोड़ के आओ, मैं आता हूँ सामने। तो दोस्तों देखो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बस का, तब तक मैं आपको इंट्रो करा देता हूँ सबका। ये हमारे दीप भाई, जिसको हम प्यार से दादा बोलते हैं, ये हमारे जिनकी जल्दी शादी होने वाली है, और ये जो शादी करने से मना कर रहे हैं। और ये सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा अनुभवी, और ये हमारे फोटोग्राफर भाई साहब, ऑलराउंडर। तो दोस्तों कल जैसे हमने बोला था कि हम कल बोला था कि 2 लाख लेके जाएंगे और 2 करोड़ कमा के आएंगे कैसीनो में, लेकिन हुआ यूं कि हमने लगाए 2000 रुपए और हाथ में कुछ नहीं आया। देखो गाइस अभी हम स्विमिंग कर रहे हैं, तैरना तो आता नहीं, लेकिन लाइफ जैकेट की मदद से। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम।
खो न जाइए, तारे जमीन पर। पापा ने मेरे बिना ही इतने मजे किए, अब तो मम्मी को कॉल करके सब बता ही देता हूँ। तो देखो गाइस, फाइनली हम रूम पे आ चुके हैं और आज का दिन काफी बिजी और थकाने वाला था। हमने बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स राइड्स की है, तो अब तक हमने गोवा में जो कुछ भी किया उसमें से सबसे बढ़िया दिन आज वाला था, ये वाटर स्पोर्ट वाला। तो आप भी अगर गोवा आते हैं और इन चीजों का मजा लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रसाद भाई का एक नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर लेना और बुकिंग करवा लेना, क्योंकि मैंने अपनी खुद की बुकिंग उनके थ्रू ही करवाई थी और काफी रिजनेबल थी। तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब भी आप गोवा आओ उनसे एक बार बात कर लेना, ठीक है। देखो गाइस, अभी पैकिंग हो रही है, जाने का टाइम हो गया है। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, घर जाके वीडियो भी तो बनानी है। ये देखो, ये भाई साहब रो रहे हैं, जाना ही नहीं है इनको। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी बुलाई है, आ रही है, तो सीधा चलते हैं अभी एयरपोर्ट। अरे कटन का कॉल आ रहा है। हेलो, काम के बहाने गोवा गए हो और मजे कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे हीरो ब्राइन ने सब बता दिया है। हीरो ब्राइन ने बताया? जल्दी से घर आओ, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अरे बाप, आ रहा हूँ। अरे भैया गाड़ी निकालो जल्दी से। क्यों? बैठो बैठो बैठो। अरे गाइस, सिमरन को पता चल गया कि मैं गोवा आया था। मैंने कितनी भी कोशिश कर ली कि उसको ना पता चले, लेकिन पता नहीं है हीरो ब्रांड को कैसे पता चल गया, उसकी खबर लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग मजा आया होगा, आप एंजॉय कीजिए, मैं घर जाके डांट खाता हूँ, ठीक है, बाय बाय।